ओम शांति। हम प्यार के सागर की संतान हैं, तो नेचुरल रूप से हम प्यार से भरपूर हैं। हमें किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं। हम प्यासी नजरों से चारों नहीं निहारेंगे कि कोई हमें प्यार करे, बल्कि हम तो प्यार के दाता हैं, क्योंकि हमारा बाबा प्यार का सागर है। तो आइए हम अपने व्यवहार में प्यार को बहुत बढ़ाएं, अभिमान को छोड़ दें, कटुता को छोड़ दें, सदा स्ट्रिक्ट रहने की भावना को छोड़ दें। जो सदा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं वो प्रेम स्वरूप को भूल जाते हैं, वो दूसरों को सदा ही टाइट रखते हैं, इसलिए उनके समीप कोई भी आना नहीं चाहता। भले ही हमारे सिद्धांत बहुत सुंदर हैं, लेकिन सिद्धांतों की पालना प्रेम की शक्ति के द्वारा ही कराई जा सकती है, स्ट्रिक्ट होकर नहीं। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वेच्छा से धारणाओं को ना अपनाए, तब तक वो धारणाएं उसके अंदर जाएंगी भी नहीं। मान लो सवेरे उठना बहुत स्ट्रिक्टता से कोई करता और कराता है, तो उठने वालों को उसका आनंद नहीं आएगा। लेकिन परमात्म प्यार में सवेरे हम उठें, स्वेच्छा से उठें, महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठें, तो सहज ही ईश्वरीय रसों की अनुभूति होगी। हम अपने प्यार में दूसरों को आगे बढ़ाएं। ये प्यार बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे और शक्तियां हमारे पास हैं, वैसे ही प्यार की, स्नेह की शक्ति भी हमारे पास है। हम सिर्फ शक्तियां हैं। हमें प्यार की दृष्टि देकर दूसरों के विकार नष्ट करने हैं। हमें प्रेम के बोल बोलकर दूसरों के दुख हरने हैं। हमारी भावनाओं में भी प्रेम हो, हमारे व्यवहार में भी प्रेम झलकता हो, ताकि सभी लोग ये सच्चे दिल से कह सकें कि ये तो प्यार के सागर की संतान है। लेकिन ये प्यार, असली प्यार तब बनता है जब ये प्यार आत्मिक प्रेम हो जाए। अगर हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दूसरों को हमारे प्रेम के वाइब्रेशंस जाएंगे। अगर हम स्वयं देह से न्यारे रहेंगे तो संसार की सभी आत्माओं का प्यार हमें प्राप्त होगा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी हमें बहुत प्यार करेगा। तो हम अपने चित्त से कड़वाहट को निकाल दें, नफरत को निकाल दें, घृणा ईर्ष्या द्वेष को निकाल दें, अवगुणी दृष्टि को समाप्त कर दें, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे प्रेम स्वरूप को नष्ट करती हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमने पहले ही कोई अवगुण अपने चित्त पर रख लिया हो, तो हमारे बोल उसी अनुसार निकलते हैं। जिसके लिए हमारे मन में ईर्ष्या हो, तो हमारे बोल भी उस अनुसार निकलते हैं। इसलिए अपने मन में सभी के लिए निर्मल स्नेह पैदा करें। हम याद रखें, संपूर्ण स्वरूप में सभी आत्माएं बहुत गुणों से संपन्न हैं। और दूसरी बात याद रखें, ये सब हमारे हैं। जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, जिनसे हम नफरत करते हैं, जिन्हें हम गिराना चाहते हैं, वो तो सब हमारे हैं। अपनों से कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर जरा एक नज़र डाल लें। तो आइए हम प्रेम स्वरूप बनकर प्यार के सागर को प्रत्यक्ष करें। और आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं प्रेम से भरपूर बहती गंगा हूँ, मेरे सामने जो भी आएगा वो ईश्वरीय प्यार को अनुभव करेगा, मुझसे सभी प्यार की सौगात लेकर जाएंगे, मीठी दृष्टि लेकर जाएंगे, दो मधुर वचन सुनकर जाएंगे, ईश्वरीय वरदान लेकर जाएंगे। और
बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चलती हूँ परम धाम में, प्यार के सागर को टच करती हूँ, कुछ देर उसके पास बैठ जाती हूँ, उससे प्यार के वाइब्रेशंस भरकर नीचे आती हूँ इस देह में, फिर मैं आत्मा ऊपर वापस जाती हूँ। बाबा प्यार का सागर है, इस संकल्प से उसके साथ बैठ जाती हूँ, हमें प्यार के वाइब्रेशंस भरते जाएंगे, फिर मैं आत्मा नीचे आती हूँ अपनी देह में। ये अभ्यास सारा दिन करेंगे। ओम शांति।